नमस्कार, आज हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप में बच्चों का हाइट और वेट की रिगार्डिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जैसा कि पोषण ट्रैकर ऐप में 20.7 के बाद एक नया चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो नया चेंज क्या है, कैसे आप लोगों को ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी है, और आप में से काफ़ी सारी सेविका बहनों का कमेंट आता है जैसे कि हम लोग जो प्रीवियस हाइट डाल दिए हैं उसको हम लोग सुधार कर सकते हैं या नहीं, और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो सीखने वाली है। आप लोगों को ध्यान से इस वीडियो को देखना है, और पोषण ट्रैकर ऐप में हाइट वेट कैसे डालना है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या नियम है, वो सारा चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप 20.7 के बाद किसी भी कैटेगरी को ओपन करेंगे जिसमें बच्चों का हाइट और वेट हम लोग एंटर करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 6 मंथ टू 3 इयर्स के जो बच्चे हैं उस कैटेगरी को हमने ओपन किया है। ओपन करने के बाद जिस बच्चे का हम लोग यहाँ पे हाइट और वेट दर्ज करेंगे उसकी कैटेगरी के 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, ग्रोथ मॉनिटरिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आपका प्रीवियस रीडिंग है वो आपको देखना है कि किस मंथ में हमने यहाँ पे जो बच्चे का हाइट और वेट है वो डाला है। जैसे कि प्रीवियस रीडिंग आपको दिखाएगा पिछले मंथ का, आपने पिछले मंथ में यहाँ जो हाइट और वेट डाला होगा उसका डेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अभी हमारे पोषण ट्रैकर ऐप में 3 मई 2024 का जो रीडिंग है वो दिखा रहा है, यानी कि हमने यहाँ पर ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑलरेडी कर लिया है। अब बात आता है कि जब हम लोग यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, बच्चों का हाइट और वेट डालते हैं, गलत एंट्री अगर कर देते हैं तो उसको कैसे ठीक करेंगे। जैसे कि आप लोग एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जब आप पोषण ट्रैकर ऐप में किसी भी बच्चे का हाइट आप डाल देते हैं, जो भी उसका एक्चुअल हाइट है, तो एक बार हाइट डालने के बाद उस हाइट को आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी आप पोषण ट्रैकर ऐप में बच्चे का हाइट डालें, सोच समझ के डालें और उसका हाइट माप के ही डालें, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट आप बच्चों का हाइट मापेंगे तो उससे बच्चे का हाइट को इंक्रीज़ करते चलेंगे, ना कि डिक्रीज। जैसे कि बच्चे का हाइट हमेशा बढ़ता है, हाँ वेट इधर उधर हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाइट जो आप एक्चुअल डाल चुके हैं उससे हाइट कम नहीं डालना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग जब भी हाइट नेक्स्ट मंथ में डालेंगे तो 90 से बढ़ा के ही डालेंगे, 90 भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो वेट है, वेट आप लोग इधर उधर कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अगर जिस हिसाब से बच्चे का ग्रोथ हो रहा है उस हिसाब से आप लोग को यहाँ पे वेट दर्ज कर लेनी है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर सबमिट करेंगे तो ये आसानी से सबमिट हो जाएगा। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपसे एक कन्फर्मेशन मैसेज यहाँ पे मांग रहा है 20.7 के अपडेट के बाद कि जो आप लोग हाइट और वेट डाले हैं क्या एक्चुअल आप लोग हाइट वेट डाले हैं। अगर आप लोग इससे सहमत हैं तो आप लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे, या फिर आप इसको दोबारा से एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैंसिल करके फिर से जो एक्चुअल हाइट और वेट है वो आप लोग यहाँ पर दर्ज करेंगे और तब यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो अगर आप लोगों का हाइट और वेट सही है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे सबमिट पे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आसानी से सबमिट हो चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर किसी दूसरे बच्चे का हाइट और वेट डालेंगे, और हाइट और वेट डालने के बाद इस प्रकार से अगर आपको मैसेज आता है, ऐप जो है कि ऑप्टिमाइज़ करके जो कुछ मैसेज दिखा रहा है, अगर इस प्रकार से आप लोगों को मैसेज आ रहा है तो आप लोगों को घबराना नहीं है। ये आपका हाइट और वेट आपने एक बार डाल दिया है तो वो आपका सबमिट हो जाएगा, कुछ देर के बाद वहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। एक दिन में आप लोग एक ही बार जो बच्चों का हाइट और वेट है वो डाल पाएंगे, दोबारा डालने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे हाइट और वेट सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पहला तरीका हो गया, और चलिए एक और तरीका आपको दिखाते हैं जिससे कि आप लोग आसानी से जो भी बच्चे हैं एक ही मॉड्यूल में जाके सभी बच्चों का हाइट और वेट कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, होम पेज पर आना है। होम पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन कर लेनी है। डैशबोर्ड ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि कितने बच्चों का आपने हाइट और वेट मेजरमेंट किया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर कोई भी पेंडिंग रहेगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि का जो है कि हाइट और वेट अभी पेंडिंग है, उसको अपडेट करनी है, तो आप लोग यहाँ से इजीली अपडेट कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बार बार उसके नाम के ऊपर क्लिक नहीं करना होगा। यहाँ पे एक लाइन से जितने भी बच्चे हैं 0 से लेके 6 ईयर तक के बच्चे का आप लोग आसानी से यहाँ पर हाइट और वेट कम्प्लीट कर सकेंगे। आप लोगों को हर महीने 100% कम से कम जो बच्चे हैं उनका ग्रोथ मॉनिटरिंग करना है। अगर 100 नहीं होता है तो कम से कम 80% आप लोगों को हर हाल में जो है ग्रोथ मॉनिटरिंग कंप्लीट कर लेना है। देख सकते हैं हमारे पोषण ट्रैकर ऐप में 100% जो है ग्रोथ मॉनिटरिंग 3 मई को ही कंप्लीट कर लिया गया है। आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि जितने तारीख को आपको डेट दिया जाता है, जैसे कि 7-8 तारीख तक हम लोगों को बोला गया है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, आपके यहाँ कितना तारीख तक बोला गया है उसके अंदर आप लोगों को ग्रोथ
ग्रोथ मॉनिटरिंग कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में जो नए चेंजेस किए गए थे उसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी, किस प्रकार से बच्चों का हाइट और वेट भरना है। और जो बच्चों का हाइट और वेट भर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को गलती नहीं करनी है, जो हाइट डालेंगे वो एक्चुअल हाइट डालेंगे और उससे कम डालते हैं तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपके लिए थी आज की ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।